नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव। मैं हूं कायनत अंसारी। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार एक तरफ विकास के नए आयाम गढ़ रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष के अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी बन गई है। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सियासी आधार सिमटता जा रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे करारी मात खाने के बाद कभी राजनीति के शिखर पर रही कांग्रेस अब यूपी विधान परिषद में शून्य हो गई है। आज सदन से कांग्रेस के एकमात्र सदस्य दीपक सिंह रिटायर होने वाले हैं। विधान परिषद से रिटायर होने वाले सदस्यों ने अपने अपने दलों खासकर समाजवादी पार्टी की चिंता को भी बढ़ा दिया है। दरअसल विधान परिषद से जिन 9 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें कांग्रेस के 1, सपा के 6 और बसपा के 3 तो बीजेपी के 2 सदस्य शामिल हैं। इन 9 सीटों पर चुनाव भी हो चुके हैं जिसमें बीजेपी के दोनों सदस्य डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र सिंह चौधरी दोबारा चुन भी लिए गए हैं, जबकि बाकी किसी भी सदस्य की वापसी विधान परिषद में नहीं हो पाई है। इस सूरत में जहां विधान परिषद के सफर में पहली बार कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं होगा तो बसपा का 1 सदस्य बचेगा, वहीं सपा के सामने उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को बचाए रखने का संकट खड़ा हो गया है। 100 सीटों वाले विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के 6 जुलाई के बाद 9 सदस्य रह जाएंगे। 5 सदस्य पुराने हैं जबकि 4 सदस्य नए जीत कर आए हैं। नेता प्रतिपक्ष के लिए न्यूनतम 10% सीटें होना जरूरी है लेकिन 6 सदस्यों के रिटायर होने के बाद सपा के पास मात्र 9 सीटें रह जाएंगी। वर्तमान में सपा के लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के 6 जुलाई के बाद अब 9 सदस्य ही रह जाएंगे तो विधान परिषद में कांग्रेस की शून्यता, विपक्ष की कमजोर स्थिति और डबल इंजन सरकार के मुकाबले वापसी की कितनी संभावना है, इसी पर करेंगे आज उत्तर प्रदेश लाइव में चर्चा। तो करते हैं चर्चा की शुरुआत। मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, कई मेहमान जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार कमजोर होते विपक्ष की जो स्थिति है उसके पीछे क्या कारण जो है वो देखे जाए। ऐसा पहली बार होगा 137 साल के इतिहास में कि कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि विधान परिषद में नहीं होगा, कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। 2002 में कांग्रेस ने केंद्र में सत्ता हासिल की तो 2007 में उसे बहुमत की उम्मीद थी। यूपी में भी प्रदर्शन बेहतर रहेगा ये उम्मीद थी लेकिन उस चुनाव में भी कांग्रेस सिर्फ 22 सीटें ही जीत पाई। 2012 में केंद्र में कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी लेकिन यूपी में उसे 28 सीटें ही हासिल हुई। 2017 में पार्टी ने सपा के साथ गठबंधन किया, कुल 114 सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन हासिल हुई महज 7 सीटें। तो आखिर विपक्ष की कमजोर होते स्थिति के पीछे क्या कारण है, कांग्रेस क्यों शून्य हो चुकी है, क्यों यहां पर जीरो के आंकड़े पर सिमट गई है, जो पार्टी का भी शिखर पर थी राजनीति के वो आज हाशिए पर कैसे आ गई है, इसका संकेत क्या माना जाए, भविष्य को लेकर चिंता कितनी बढ़ जाती है क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सत्ता दल के साथ में विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में अगर लगातार विपक्ष की स्थिति कमजोर होती है तो इसे कैसे देखा जाए, हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए हरीश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और शैलेंद्र तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सपा के प्रवक्ता हम्माद नबी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सपा के प्रवक्ता हम्माद नबी हमारे साथ जुड़े हैं, पहले मैं आपसे चर्चा की शुरुआत यहां करना चाहूंगी। हम्माद नबी, सपा के लिए भी टेंशन कुछ कम नहीं है, नेता प्रतिपक्ष का पद उसके हाथ से जाता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात यहाँ पर विधान परिषद के गणित पर कम होती लगातार सदस्यों की संख्या पर कैसे देख रहे हैं, आखिर क्या वजह मानते हैं, क्यों यहां पर विपक्ष की ऐसी स्थिति हो गई है? मैडम, सबसे पहले मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके चैनल ने मुझे बुलाया और यहां मेरे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं मेरे बड़े भाई हरीश श्रीवास्तव जी, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और देखिये मैडम, लोकतंत्र की खूबसूरती है जनता लोगों को चुनती है, लोग आते हैं जाते हैं, उसी प्रकार से मेलसियों को चुना जाता है, मेलसी आते हैं हम लोग के बीच में से निकल कर आते हैं। और देखिए संख्या कभी भी मायने नहीं होती, अगर आपके अंदर लड़ने का और जीतने का जज्बा है तो संख्या कभी मायने नहीं रखती। जैसे कहा जाता है कि एज इज जस्ट अ नंबर, अगर आपके अंदर झूठ के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, हम्माद नबी जी, हर एक कॉन्टेक्स्ट में ये बात सही हो वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन विधान परिषद का जो आंकड़ा है, क्या
आप यही कहेंगे यहाँ भी कि जो संख्या बल है वो कोई मायने नहीं रखता है? नहीं, संख्या बल मायने रखता है और बिल्कुल रखना भी चाहिए संख्या बल को भी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आज समाजवादी पार्टी जो निश्चित 10% का जो भी संख्या बल है वहां तक नहीं पहुंच पाई, और इसके लिए जहां जहां पर चुनाव इस बार हुए वहां पर हमने देखा कि MLC के चुनाव में खास तौर से किस तरह से सत्ता बल का दुरुपयोग किया गया, लोगों को उनके पर्चे नहीं भरने दिए गए। उदयवीर सिंह जी के साथ मारपीट की घटना हम सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखी है, किस तरह से उनका पर्चा लेकर फाड़ा गया, और तमाम वो MLC के प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी से थे, जिनकी जीत निश्चित थी, निश्चित तौर पर जो बड़े अंतर से जीतने जा रहे थे, उनके घर के बाहर बुलडोजर खड़े कर दिए गए। उन लोगों को आरोप माने जाएंगे? मैडम देखिए, बात सुनिए, सत्ता बल का किस तरह से दुरुपयोग किया गया MLC के चुनाव में, ये मैंने भी देखा, आपने भी देखा, और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी थे जिनके घरों के बाहर बुलडोजरों को खड़ा कर दिया गया, जहाँ चाहे वो गाजीपुर की घटना हो, चाहे एटा की घटना हो, या चाहे और कहीं की घटना हो, बहुत सारी जगहों पे हमने देखा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया अपने पक्ष के लोगों को MLC का चुनाव जिताने के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी क्योंकि लोकतंत्र में पूरा विश्वास रखती है, संविधान में पूरा विश्वास रखती है, अगर भले ही हमारी संख्या बल आज कम हो लेकिन हमारे हौसले में कोई कमी नहीं आई है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि किस तरह से अत्याचार और जुल्म के माध्यम से बहुत सारे हमारे MLC के प्रत्याशियों को वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया गया जिनको वोट डालना थे, और छोटे छोटे वोटर हो, प्रधान हो, चाहे BDC मेंबर हो, जो और भी लोग वोट डाला करते हैं, उन पर तरह तरह से सत्ता बल ने अपना जोर आजमाइश की और उनको चुनाव ना, ताकि वो अपना वोट ना डालने पाए या अपना वोट उनका उनके पक्ष में डल पाए, इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। हरीश श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगे, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी स्वागत है आपका खबर फास्ट पर, और आप थोड़ा देर से जुड़े लेकिन शुरुआत में आपसे ही करना चाह रही थी यहाँ पर चर्चा की, आज कांग्रेस जो है यूपी विधान परिषद में शून्य हो गई है जी, कैसे देख रहे हैं इसे सर? देखिए, राजनीति में चीजें बढ़ती घटती रहती हैं, अभी वक्त शून्य का है, ये शून्य जब आगे बढ़ेगा संख्या बढ़ती जाएगी। ये है कि जो जैसे हमारे पीछे प्रवक्ता बोल, तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिनको आज की सरकार जो है डिनाई कर रही है, जिन पे सरकार अपना जो है मुलम्मा चढ़ा रही है, मुझे लगता है कि ये भ्रष्टाचार का जो है जीता जागता नमूना बन चुकी है सरकार। दबंगई के साथ चुनाव हो रहे हैं, ये लोकतंत्र का कहीं ना कहीं जो है घातक है लोकतंत्र के लिए। लेकिन आप भी कहा, अगर आप आरोप यहाँ पर सिर्फ टीवी डिबेट्स में बैठ के लगा रहे हैं लेकिन सड़क पर कहीं दिखाई नहीं देते हैं, आप इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाते हुए क्यों नहीं उतरते हैं सड़क पर? सड़क पर कहाँ दिखे आपको बताइए, हाथरस की घटना में हम दिखे, जो मुंबई घटना में हम दिखे, लखीमपुर घटना में हम दिखे, किसान के लिए हम दिखे, अब सड़क पर कहाँ दिखे? क्या आग लगा की बात नहीं कर रही हूँ, आप जो चुनाव में कह रहे हैं कि सत्ता बल का दुरुपयोग होता है और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करता है सत्ता पक्ष, इन सभी आरोपों को आप सिर्फ यहाँ पर जबानी कहते हैं लेकिन कभी इसके खिलाफ ना तो सड़क पर उतरते दिखाई देते हैं ना कहीं पर इस प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज होती है, रिपोर्ट हो तो कार्रवाई हो, तो ये तो बात कोरे आरोप माने जाएंगे। सिर्फ आप यहाँ पर अपनी बात को सही साबित करने के लिए सिर्फ एक सहारा ले लेते हैं आरोपों का। आप स्टूडियो में बैठ करके नहीं कर सकते कि हम सड़क पर नहीं। शैलेंद्र जी अगर बात यही होती तो 269 सीट वाली पार्टी विधानसभा में आज दो सीट पर नहीं सिमट जाती। शैलेंद्र जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, लगातार आपने कहा कि राजनीति में संख्या बल घटता बढ़ता रहता है लेकिन यहाँ पर लगातार डाउनफॉल देखा जा रहा है कांग्रेस का, साल दर साल, चुनाव दर चुनाव कांग्रेस जो है अपनी सीटें खोती जा रही है, आज स्थिति ये हो गई है कि 137 साल बाद कांग्रेस जो है शून्य हो गई है विधान परिषद में। ऐसा है, साल दर साल चीजें घट रही बढ़ रही वो एक अलग सब्जेक्ट है, मैं राजनीति में इन चीजों को अच्छा और बुरा दोनों मानता हूँ, लोकतंत्र में सभी तरह की चीजें, आज मेरी सत्ता है कल आपकी सत्ता होगी, परसों किसी और की होगी, नर्सों किसी और की होगी, ये लोकतंत्र का सम्मान है, लेकिन इसमें जो अलोकतांत्रिक चीजें हो रही हैं, जो लोगों के साथ सरकार अहंकार के साथ काम कर रही है,
दुर्भावना के साथ लोगों से व्यवहार कर रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं लड़ते दिखने की। आप बताइए किसानों की लड़ाई में किसने लड़ा, कौन लड़ा था, कौन लड़ रहा वहाँ पर जो है सीतापुर में, सीतापुर के पीएससी में जेब रहा 6 दिन कौन रहा, आप बताइए उम्मा में किसानों को पैसे किसने दिए, तो फिर प्रभाव क्यों दिखाई नहीं दे रहा विपक्ष की आवाज का, क्यों जनता बार बार अनसुना कर देती है विपक्ष की आवाज को, क्यों नकार रही है, क्या कोई कमी रह रही है, क्या विश्वास खत्म होता जा रहा है विपक्षी पार्टियों के अंदर से? जनमानस का मैंडेट है, हम उसका सम्मान करते हैं, वो हमें चुन रही है नहीं चुन रही है वो उसका विवेक है, मगर हम अपना काम अपने विवेक से कर रहे हैं। जिस दिन उसका जो है मनोभाव बदलेगा, मनोस्थिति बदलेगी, उस दिन हम सत्ता में आएंगे। चलिए आप वेट एंड वॉच की स्थिति में, लेकिन वेट कब तक आएंगे? हम किसी भी आदमी का जो है धर्म पे हमला करके, किसी भी जो है मजाक को छेड़ करके हम नहीं राजनीति में आना चाहते हैं, हम अपने तरीके से आएंगे। हरीश श्रीवास्तव जी कैसे आप देख रहे हैं? कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात बीजेपी करती थी और आज विधान परिषद जो है यूपी का विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो चुका है। जी देखिए एक बात समझिए, यही इसी को लोकतांत्रिक बोलते हैं, ये मुक्त वो मुक्त, भय मुक्त बना नहीं पा रहे हैं, कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, पहले भय मुक्त तो कर दें, जनता में भय है ना। हरीश जी आप बात समझने का प्रयास कीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है हरीश जी। हेलो हरीश जी, सुन पा रहे मेरी आवाज? हेलो, लगता है हरीश जी से हमारा संपर्क फिलहाल। जी हरीश जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है कोई तकनीकी दिक्कत है हरीश जी के साथ। जी हम बात अभी, मैं एक बात अपने बीच में जोड़ना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता बल का दुरुपयोग करके एमएलसी की सीटें पाई हैं, इन्होंने लोगों का विश्वास जीता नहीं है, लोगों का विश्वास खोने का काम किया है। आप पूरे प्रदेश में देखें किस तरह से, चाहे अभी लोकसभा का चुनाव हो, रामपुर में किस तरह से इन लोगों ने वोटरों को घरों से नहीं निकलने दिया। क्या सत्ता में बैठे हुए लोगों की यही भावना होती है? पुलिस प्रशासन जब आंख मूंद कर आंखें बंद करके सत्ता में बैठे हुए लोगों की बातें सुनने लगे और विपक्ष में बैठे हुए लोगों की आवाज को, चाहे मीडिया हो या कोई भी हो, आवाज उठाना बंद करते, तो ये लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए बहुत गलत होता है। और मुझे लगता है कि क्योंकि आप और उसी का परिणाम है कि आज अगर विधान परिषद में शून्य की तरफ बढ़ गई। हरीश जी आऊंगी आपके पास, तो ये हरीश जी आऊंगी आपके पास, आवाज नहीं आ रही हमारी। जनमानस की आवाज बनकर सामने आना चाहिए, क्योंकि आज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिबेट का मुद्दा विकास हो या विकास ना हो, आज हम देख रहे हैं पूरे देश की क्या हालत हो गई। और जो नोटबंदी की योजना, जीएसटी की योजना, ये सारी पॉलिसी जनता का भरोसा खो देते हैं, उनकी वही हालत होती है जो कांग्रेस की हो रही है। मोदी जी लेकर आए थे, लेकिन नोटबंदी की योजना से क्या फायदा हुआ, जीएसटी की योजना से क्या फायदा हुआ, इन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को बांट कर सीटें तो हासिल कर ली आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और विधानमंडल में, लेकिन आज भी एक गरीब आदमी, एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी उन तमाम परेशानियों से जूझ रहा है जो हमें और आपको दिखाई दे रही है। सिलेंडर के दाम, आज ही दोपहर की खबर है कि 50 रुपए घरेलू सिलेंडर के दाम फिर बढ़ा दिए गए हैं। आप सारी सीटें लेकर आ सकते हैं डिक्टेटरशिप से, आप बेईमानी से, ईवीएम से कुछ भी कर सकते हैं, ईवीएम के माध्यम से, यानी आप मान रहे हैं आमाद नबी जी, इसमें विपक्षी कोई कमी नहीं है, अगर उसको हार का मुंह देखना पड़ा है, ये सारा जो है सत्ता बल का वो नतीजा है कि इस तरह से बीजेपी लगातार जीतती जा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैडम बिल्कुल, मैं यही बात आपको बता देना चाहता हूं। हरीश जी देखिए, विपक्षी दल के मित्र अगर ये बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं अपने को धोखा देते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का सच अगर वो स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है जनता जनता का जनता के लिए शासन। तो जो लोग भी जनता के द्वारा दिए गए फैसले को, जनता के दिए द्वारा जो परिणाम है
उसको नकारने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी कमियों का नहीं हरीश जी नकार नहीं रहे हैं, लेकिन ये भी जरूर कह रहे हैं विपक्षी पार्टियों के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता और सपा के प्रवक्ता कि लोकतंत्र पर हमला करते हैं बीजेपी के लोग और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, ये मैंडेट जनता का नहीं है, ये सत्ता बल का मैंडेट है। मैडम आप देखिए, आप मुझे बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल पूछता हूं, सत्ता के खिलाफ जाकर हम आज आओगे, किसने लगाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी ने? ये और कांग्रेस सरकार में बहुत सारी राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया, ये किसने किया था? तो और दूसरा, वो ऊपर से तोहमत मरते हैं कि संविधान को समाप्त कर रही भारतीय जनता पार्टी। ऐसे लोग जिन्होंने संविधान को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था, लोकतंत्र को अपने मन से चलाना चाहते थे, जो लोग पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक परिवार की थाती समझते हैं, वो इस तरह के जो आरोप लगाते हैं, जनता उसका उनका मजाक बनाती है और वो जनता के बीच मखौल का पात्र बनते हैं। मेरा तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर कांग्रेस ने कुछ गलत किया है या कांग्रेस गलत राह पर चली है तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब उसी राह पर चलेगी? अगर कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है तो क्या भारतीय जनता पार्टी पे वही काम करेगी जो कांग्रेस ने किया था? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किसी राज्य सरकार को बर्खास्त किया क्या? इसी MLC के चुनाव में हमने देखा, बंगाल में ममता दीदी ने चाहे कितना हिंसा की राजनीति की हो और पर्याप्त कारण थे पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त करने के, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया क्या? तो ये जो बातें कही जाती हैं इसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। आप केवल दोषारोपण के लिए इस तरह की बात करते हैं। तो इसके बजाय जो लोकतंत्र का सत्य है उसको स्वीकार कीजिए। उसकी लोकप्रियता, उसके अस्तित्व को लेकर भी तो उठ रहा है, उसकी भी तो संख्या डिफेंड नहीं किया। मैंने सिर्फ बीजेपी को ये कहा कि मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी, मैं समाजवादी जनता पार्टी भी गलत राह पर चल रही है। पार्टी से सवाल पूछता हूँ कि जिस लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के मुखिया सांसद थे, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिनके खाली करने के बाद वहाँ उपचुनाव हुआ, उनकी वो उतनी भी जिम्मेदारी अपनी नहीं समझे कि वहाँ की जनता के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने उस क्षेत्र में जाते जहाँ से उनके पिताश्री भी सांसद रहे थे? और अगर समाजवादी पार्टी अपना जनाधार खो देती है तो उसका कारण भाजपा को बनाते हैं, तो अच्छी बात है, इसी तरह गलत फहमी में रहे, हम तो चाहते हैं कि वो इसी तरह की गलत फहमी में रहें। लोकतंत्र का सच यही है कि जो जनता के प्रति जवाबदेह होगा, जनता जनार्दन के प्रति समर्पित होगा, वही लोकतंत्र में जनता का विश्वास हासिल करेगा। शैलेंद्र जी, बीजेपी प्रवक्ता ने एक बार फिर उन बातों को दोहराया कि पेड़ ही बबूल का बोया है कांग्रेस ने, तो अब आम कहां से मिलेंगे, और ये उसकी करनी का नतीजा है जो आज इस तरह के हालात देखने के लिए मजबूर हो गई है कांग्रेस। देखिए, हरीश रावत जी बहुत ही वयोवृद्ध नेता है, उनका सम्मान करते हैं, हम उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानेंगे, बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। उनको आम के पेड़ में बबूल दिख रहा है, बबूल के पेड़ में आम दिख रहा है, क्या कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं? नहीं, इमरजेंसी की बात की कि कांग्रेस ने किस तरह से मानते हैं, लेकिन ये तय मान के चलिए कि अगर कांग्रेस बबूल है तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये चारों तरफ सूल है। शैलेंद्र जी, मैं बुजुर्ग नहीं हूँ, मैं आई एम क्वाइट यंग, तो आप जो है सर पर सवालों के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात को रखिए, तथ्यों के साथ। देखिए, मैं अपने कांग्रेस के दोस्त से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पर्सनल अटैक पर देखिए कोई ना आए। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं मानूंगी। अभी बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी ने जो कहा कि आई एम नॉट ओल्ड, आई एम यंगर, तो आई एम क्वाइट यंग, तो अभी जैसे हमाद नबी ने भी कहा था कि एज इज जस्ट अ नंबर, कोई मायने नहीं रखती है। मुद्दे पर आ जाते हैं, शैलेंद्र जी, क्या आप मानते हैं कि जब से प्रियंका गांधी के हाथ में कमान गई, महासचिव प्रियंका गांधी बनी, पार्टी ने महासचिव बनाया, बागडोर सौंपी यूपी के, लेकिन हालात और ज्यादा बद से बदतर हो गए, क्या ये उन्हीं के नेतृत्व का नतीजा है, क्या जिस स्थिति में प्रदेश में कांग्रेस पहुंच गई है? देखिए, ये सारी चीजें एक दौर है, गुजर जाएगा, इसमें अच्छा बुरा जनमानस की बात है, जनमानस जनता का मैंडेट है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जिनको जनता का ने ताकत दी है वो अहंकार में आ चुके हैं। देखिए, अभी हमारे हरीश भाई कह रहे हैं कि प्रश्न हमने एक बात कही कि बुजुर्ग आदमी है, उनकी बात का बुरा नहीं मानते, उसमें कौन सी बात कर रहे हैं, ये एक अहंकार की बात है।
ये अहंकार जब तक उनका नहीं निकलेगा तब तक वो नहीं मानेंगे। समस्या ये है कि आज सत्ता उनके हाथ में है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सत्ता क्या है? आज है, आज मेरी है, कल तेरी है, उसमें क्या स्थिति है? दोनों ही परिस्थितियों में जनता ही तो पिस रही है। लेकिन विपक्ष की क्या भी तो एक जिम्मेदारी है, अगर यहाँ पर जनता ने आपको भी चुना, आप भी यहाँ पर विपक्षी पार्टी की भूमिका में हैं, तो ये आपकी भी मतलब जिम्मेदारी बनती है कि आप जाएं और सत्ता पक्ष के अगर कुछ मुद्दे भी हैं जो लगता है कि गलत है तो उनको जोर शोर से उठाएं। लेकिन यहाँ पर वो तैयारी दिखाई ही नहीं देती है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसकी तैयारी कहाँ आप कर रहे हैं? अभी तक संगठन ने कहीं दिखाई नहीं देता है। प्रदेश अध्यक्ष पद का आप जो है चुनाव नहीं कर पाए अभी तक। क्या किसी सेना पे हमला करना है क्या हमको? क्या उस तैयारी, किस तरह की तैयारी? हम जहाँ काम कर रहे हैं। कायना जी देखिए, ऐसा क्या है, मैं इसका जवाब मैं देता हूँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। जी जी देखिए, समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में एक बहुत बेहतरीन वापसी के साथ वापस आई और 130 से कहीं ऊपर की सीटें हमें मिली। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ईमानदारी से ये चुनाव लड़ती और सरकारी मशीनरी का और अपने अधिकारियों का प्रशासनिक हमले का अपने दुरुपयोग ना करती तो शायद 70 के तकरीबन करीब सीटें ऐसी हैं जहां पे मार्जिन 2-2.5 हजार या 3 हजार का रहा। हर जिले में इन्होंने 1 से लेकर 2 सीटें बेईमानी से जीतने का काम किया, जहां पर से प्रशासनिक अधिकारियों ने, जो वोटर्स थे, जो पोलिंग एजेंट थे और जो वहां पर काउंटिंग एजेंट थे, उन पर तरह तरह से दबाव बनाए गए। ये खबरें मुझे लगता है कायनात जी आपके कानों तक भी जरूर आई होंगी और मुझे लगता है आपने ये बातें सुनी होंगी। और अगर यही बेईमानी ना हुई होती तो आज समाजवादी पार्टी सत्ता में बैठी हुई होती। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हमाद नबी जी जैसे कहते हैं कि कानून सबूतों को मानता है, वो भावनाओं पर नहीं चलता है। इसी प्रकार से अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको उठाना चाहिए था, शिकायत दर्ज करवानी चाहिए थी, जांच होनी चाहिए थी इस तरह के मामले की। इससे कहां उठाए आवाज, किसके सामने जाए? जो आवाज उठाता है जो आवाज उठाने का मादा रखता है उस पर तो कानूनी कार्रवाई हो जा रही है आज। जी हरीश जी, भारतीय जनता पार्टी की भी आप जो विधायकों की वोटिंग की जो संख्या है वो चेक कर लीजिए। 9 से 10 सीटें हमारी ऐसी हैं जो 500-200 इस अंतर से हमने हारी हैं। तो ये तो जो अगर जैसा ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग ने सारी बेईमानी कर ली, तो अगर वो बेईमानी की होती तो ये जो हमारी 9-10 सीटें 500 और 200 हजार वोटों के अंतर से हार गई, ये क्यों हारती? तो इस तरह के तर्क गढ़ना की एक अपने विक्टिम कार्ड प्ले करना, ये मुझे लगता है कि इससे आप क्षणिक भले लोगों को भ्रमित करें लेकिन इससे लोग यही कारण है कि जो भ्रम का और नकारात्मक नैरेटिव जो गढ़ा जाता है वो अपने आप फ्यूज हो जाता है। वास्तविकता ये है कि ऐसा है ना, अगर चोरी भी की जाती है तो बहुत दिमाग से की जाती है। 14 से चुनाव कहीं ना कहीं चोर को भी ऐसा दिखाना पड़ता है कि उसने चोरी नहीं की। 17 2022 तो उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने जात पात के गठबंधन को नकारा है, तुष्टिकरण की राजनीति को पूरी तरह से नकारा है और आज भी ये विपक्षी दल के मित्र उन्हीं गठबंधन उन्हीं तुष्टिकरण की नीति पे चुनाव जीतना चाहते हैं जिसको जनता खारिज कर चुकी है। तो यह अगर इनके जहन में नहीं आती, इनके ये सच ये स्वीकार नहीं करते तो इनका सच इनके इनके साथ मुबारक हो। अच्छा मेरा सवाल है श्रीवास्तव जी से, अगर आप आऊंगी कांग्रेस की प्रवक्ता शैलेंद्र तिवारी, शैलेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। जी शैलेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ कि जनता जहाँ पर विपक्ष को खारिज करती है वहाँ तो खारिज है, जहाँ पर इनको खारिज करती है वहाँ क्यों नहीं मानते खारिज हुए? कमी तो इनमें भी है ना, कमी हम में भी है। हम लोग हर मामले में तो कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन आप लोग मार जो कर रहे हैं अपनी कमजोरी को तलाश के उसका काम करते हैं। जब आप सत्ता से हटेंगे तब होगा जी, हम तो अपनी हार को जहां पे हार मिलती है उसको स्वीकार करते हैं। कायना जी मेरा सवाल आपसे भी है और भारतीय जनता पार्टी के काम करते हैं मेरे दूर करने के लिए। श्रीवास्तव जी हम बैठे हैं, मैं जी पूछना चाहता हूँ कि ये बहिष्कलन तंत्र की कर्जा है कि आप किसी दिशा से रहने में हो जाते हैं। शैलेंद्र जी हरी बंगाल में आप बन जाइए सवाल करना चाहता हूँ श्रीवास्तव जी, मुझे बोलने के लिए 2 मिनट दीजिए। चलिए श्रीवास्तव जी, हम हमाद नबी जी कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी हमाद नबी जी,
खैरा जी मेरा सवाल आपसे भी और श्रीवास्तव जी से भी है कि ऐसी कितनी सीटें हैं जहां पे उन्होंने निर्विरोध पर्चा भरा और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का पर्चा खारिज किया गया, उसमें प्रशासन प्रशासनिक फेरबदल करके उसके उसके पर्चे में कमियां निकाली गई और उनके पर्चों को खारिज कर दिया गया, क्या ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं है? कितने पर्चे समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशियों के ऐसे थे जो उन्होंने जानबूझ कर खारिज किए और अपने प्रत्याशियों को निर्विरोध चुनाव जिताने का काम किया, जहां जहां पर इनको लग रहा था कि इनके प्रत्याशी चुनाव जीत सकते हैं? क्या यही लोकतंत्र है? क्या ऐसे ही चलेगा देश? हरीश जी, हरीश जी, नहीं अगर अगर ये जो जो आप इसका जवाब नहीं दे सकते श्रीवास्तव जी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ये गलत हुआ है, चुनाव ये गलत किया गया है आपकी पार्टी के लोगों के ही द्वारा, प्रशासन ने दबाव बना के, प्रशासन पर दबाव बना के उन लोगों के पर्चे खारिज कराने का काम किया गया। चलिए मेरे पास बहुत कम समय बचा है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेंद्र तिवारी जी से पूछना चाहूंगी, एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कैसे आप देख रहे हैं कि क्या उम्मीद लगती है आपको कि वापस कर पाएगी प्रदेश की सियासत में कांग्रेस? वापसी होगी, जनता परेशान है, भ्रष्टाचार अत्याचार दुराचार कुछ बचा है किसी लेवल पे? महंगाई की स्थिति देख रहे हैं आप, सिलेंडर 350 का आपको हम छोड़ गए थे, 1050 रुपए का हो गया है। जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया मैडम। बस मेरा जो सवाल था मैं उसका उत्तर चाहता हूँ कि जो निर्विरोध इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जहाँ जहाँ से निर्विरोध चुनाव लड़े हैं वहाँ वहाँ पे सपा के प्रत्याशियों का पर्चा मैं फिर से जवाब देता चाहता हूँ कि आपका चुनाव प्रबंधन अगर कमजोर है, जो पर्चा आपने भरवाया उसमें सही सूचनाएं नहीं भरी, गलत भरी, तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टी और चुनाव के प्रबंधन की खामी है। हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो यूपी कोटे से राज्यसभा में कांग्रेस पहले ही साफ हो चुकी है, वहीं अब इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब सूबे के उच्च सदन में प्रतिनिधित्व के लिए कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं होगा। एक तरफ यूपी में कांग्रेस वेंटिलेटर पर है तो विपक्षी पार्टी सपा के लिए भी सियासत का पथ चुनौतियों से भरा है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा कारनामा करने का स्वप्न संजोने वाले विपक्षी दलों के लिए कोई बड़ा करिश्मा करना जरूरी है, क्योंकि सवाल उनके अस्तित्व का है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।